यूट्यूबर लखन और नीतू अपनी पूरी टीम और अपनी बहन पूनम के साथ गए हुए हैं कोलकाता, और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी तो बहुत है, वो परेशान भी बहुत हुए, लेकिन उन्होंने माता रानी के दर्शन करने के लिए वहाँ स्पेशल गए थे और वहाँ मैच भी एंजॉय किया। और स्टेडियम में नीतू के फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। लखन ने बताया कि आधे से ज़्यादा टाइम तो उसका सेल्फी लेने के लिए ऑटोग्राफ देने में ही चला गया। इतने ज़्यादा फैंस हैं उनके हर जगह, और वैसे भी मतलब नीतू काफ़ी ज़्यादा फेमस है ननंद भाभी की वीडियो से। और वहाँ पर जो नीतू है उसने अपनी पूरी टीम की, जितनी भी टीम मेंबर हैं, उनकी मम्मी के लिए, अपनी सास और अपनी मम्मी के लिए भी साड़ी खरीदी, अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीदे। करीब 2 लाख के आसपास उन्होंने साड़ियाँ खरीदी थी। और नीतू हमेशा ही हर जगह जाती है, केयर करती है अपने फैमिली मेम्बर को, अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ खरीदती है। शायद यही वजह है कि उनकी टीम के मेम्बर भी खुश रहते हैं और उनके परिवार वाले भी खुश रहते हैं। कुछ लोग को लगता है कि मतलब वो है इतना नहीं करती है, लेकिन मैंने जहाँ तक व्लॉग में नोटिस किया है उनके फैंस भी यही नोटिस करते हैं कि लखन और नीतू अपनी टीम के लिए बहुत कुछ करते भी हैं। टीम हो चाहे वो परिवार के लिए हो, दिल चाहिए होता है, पैसे हर किसी के पास होते हैं, लेकिन नीतू हमेशा ही करती हैं। और जो वहाँ के ब्लॉग थे उनमें काफ़ी उनका एक्सपीरियंस भी रहा, जैसे उन्होंने कैब वगैरह में प्रॉब्लम हुई थी, और फिर भी उनके ब्लॉग काफ़ी अच्छे लगते हैं। लखन है वो काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ भम्मू भी अपने नवरात्रों के ब्लॉग है वो दिखा रही हैं, खूब सारी शॉपिंग भी कर रही है। भम्मू, पाई, सैंडी, कीर्ति, इनकी मस्ती है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और नवरात्रों के ब्लॉग है, उन्होंने कंजक के लिए गिफ्ट खरीदे अच्छे अच्छे और वो सब खरीदे। और जो नीतू और लखन ने उनके लिए गिफ्ट खरीदा था वो भी भम्मू को काफ़ी पसंद आई। वो साड़ी वैसे बहुत महंगी साड़ी थी और भम्मू ने कहा कि जल्दी वो तैयार करके पहनेंगी। और यहाँ पर एक तरफ कीर्ति की शादी की तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग यहाँ कमेंट कर रहे थे कि मतलब भम्मू पाई इसमें हिस्सा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये पता नहीं ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन खुश काफ़ी लग रहा है, पूरा परिवार शायद एक हो जाएगा। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे कीर्ति के ब्लॉग में भम्मू पाई इन सब दिखें, यहाँ भम्मू के ब्लॉग में वो सारे दिखें, कीर्ति और सारे इसी घर में आ जाएं और सब मिलकर कीर्ति की जो शादी है धूमधाम से करें। उनके फैंस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे लखन की शादी में लोगों ने एंजॉय किया था, सेम वैसा चाहते हैं कि कीर्ति की शादी में भी लोग एंजॉय करें, पूरा परिवार है वो एक हो जाए, जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाए। जहाँ रिक्की और कीर्ति की बात रही तो वो बहन भाई है, शायद आपस में बातें करेंगे, तो 2 मिनट का काम होता है बहन भाइयों का, तो सिंपल एक कहना होता है कि तूने ये किया तूने ये किया, और बहन भाई वापस एक हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि फैंस भी ऐसे कमेंट मत कीजिए जिससे परिवार है वो टूटता रहे, क्योंकि यदि आप ऐसे कमेंट करोगे अच्छे अच्छे ना, तो शायद दोनों परिवार है वापस से एक हो जाएंगे। और वैसे भी एक हैं वो, लेकिन कुछ गलतफहमियां, कुछ गिले शिकवे, अपनों से नाराजगी हो जाती है। और जब नीतू वापस आई है कोलकाता से, तो इनकी बॉन्डिंग है कीर्ति के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे कीर्ति लखन से ज़्यादा कीर्ति नीतू से अटैच है, और लखन ने ये कैप्चर भी किया है मोमेंट जिसमें मतलब नीतू और कीर्ति की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। और लोगों ने ये भी कहा था कि आप कीर्ति की सास के लिए भी एक साड़ी खरीदना, शायद नीतू ने वो भी खरीदी होंगी। और उस सारांश की फैमिली को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, एजुकेटेड और कूल फैमिली है। और उनकी नानी स्पेशली जब कीर्ति का व्लॉग आया था उसमें लोगों ने भर भर कर उसमें कमेंट किया कि उनकी नानियाँ बिल्कुल कूल पर्सन है, एज के अकॉर्डिंग देखें तो आज की सोच की वो मतलब लेडी हैं, और उनका परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। लखन के लिए भी लोग कहते हैं कि कीर्ति के लिए इतना कुछ करता है उस जैसा भाई नहीं हो सकता। और रही बात भम्मू पाई सैंडी कीर्ति लखन इन सब की, तो शायद थोड़े से टाइम में कीर्ति की शादी तक सब एक हो जाएगा, आई होप, क्योंकि उसके बाद सैंडी की शादी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा शायद, क्योंकि परिवार का काम है, यदि एक हो जाता है ना तो खुशियां दुगनी हो जाती है। और कीर्ति के लिए थोड़ा सा टाइम यहाँ ससुराल में है, सॉरी मायके में है, उसके बाद वो ससुराल रहने लग जाएगी। आजकल वैसी बात नहीं है, हम मायके जब चाहें तब आ सकते हैं, लेकिन शादी के बाद लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है। तो इसलिए जो जितने पल मिले हैं मैं यही चाहती हूँ कि कीर्ति अपने पूरे परिवार के साथ बिताए, भम्मू पाई के साथ, नीतू लखन ये सब एक वैकेशन ज़रूर करें। जहाँ अपनी पूरी टीम के साथ करते हैं वहाँ भम्मू पाई को अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाना चाहिए, ताकि जितने भी गिले शिकवे हैं ना वो दूर हो जाए। और जल्दी कीर्ति की सगाई की शायद डेट फिक्स हो चुकी है, उनकी जो मेन्यू वगैरह है या उनकी जो प्लेस है जहाँ शादी होनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग चाहती है कीर्ति, चाहती है कि शादी है वो थोड़ा सा दूर हो और वो इन्जॉय करना चाहती है, तो शायद उसकी ये विश भी लखन पूरी करेंगे। ढोल वाली भी जितनी भी होंगी
खूब सारे व्लॉग देखने को मिलेंगे अब कीर्ति राउत के व्लॉग में। आज कीर्ति राउत के चैनल पर व्लॉग आ भी चुका है और वैसे भी वो हर बार की तरह ट्रेंडिंग में जाने वाला भी है। यहाँ भम्मू पाई की नोकझोंक भी हमें देखने को मिली, जहाँ भम्मू उनसे एनिवर्सरी का गिफ्ट मांग रही थी पाई से और पाई कह रहे थे कि मैंने इतना कुछ दिया है। और ये वाली नोकझोंक है ना, वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। उनकी एज के जितने भी लोग हैं भम्मू को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और अब मतलब सब ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ कीर्ति के व्लॉग में पॉजिटिव वाइब आ रही थी, वहाँ देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे अच्छे वाले ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कीर्ति रावत के लखनीत व्लॉग के, भम्मू की दुनिया के व्लॉग के कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यदि आप लखनीत के नीतू